कबई से ना किसी बच्चे को दे देते हैं नीचे। हमें एक बच्चा मिल गया जो अंडे खाता है, वो अंडे से ही निकला है। चलो तो गाइस अभी लेके चलते हैं और उसे सांप गिफ्ट करते हैं। ये भाई अंडे खाता है, हम तो अंडे खाते नहीं इसलिए से ये सांप दे देते हैं। ले भाई खा लियो। सांप नहीं खाता मैं। अबे ये सांप नहीं है भाई, टॉफी है। ये सांप है। सांप नहीं है, टॉफी है। इसे लग रहा है सांप दे रहा हूँ मैं इसे। अबे प्रिंगल्स मुझे दे। अकेले अकेले प्रिंगल्स खा रहे, इसका घर पेपर है, इसके लिए नोटबुक है, पढ़ ही रहा। ये देखो ये देखो ये देखो, हन्नी को सबर नहीं होता भाई। शादी में से खा के आया फिर भी ये खा रहा है। और क्यों खाया, मुझे स्कूल लेके जाने थे। स्कूल में सारे बच्चे खा जाते इसलिए मैं खा लूंगा यहाँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूरी श्याम। गाइज जैसा कि आपको पता, हम बहुत दिन से पहाड़ पे नहीं गए, तो भाई फाइनली आज है संडे, आज हमारा प्लान बन गया पहाड़ पे जाने का। तो भाई अभी शांस रेडी हो चुका है और वहीं पे शादी है, मजा आएगा और गोस्ट हंटिंग भी करके आएंगे। गाइज पहाड़ पे जहाँ हम कैफे में जाते हैं ना भाई, वहीं के वहीं शादी है, तो पहाड़ पे भी घुमाएंगे और कैफे में भी घुमाएंगे और शादी में भी घुमाएंगे। बाकी गाइज जैसा कि आपको पता है, कल हम ये सांप लेके आए थे, मगर भाई हम तो ना तो नॉन वेज खाते ना अंडे खाते, तो भाई इसे ना किसी बच्चे को दे देते हैं नीचे। हमें एक बच्चा मिल गया जो अंडे खाता है, वो अंडे से ही निकला है। चलो तो गाइज अभी लेके चलते हैं और उसे सांप गिफ्ट करते हैं। ये देखो भाई गैंग के बंदे मिल गए हैं। ये भाई अंडे खाता है, हम तो अंडे खाते नहीं इसलिए से ये सांप दे देते हैं। ले भाई खा लियो। सांप नहीं खाता मैं। अबे ये सांप नहीं है भाई, टॉफी है। ये सांप है। सांप नहीं है, टॉफी है। इसे लग रहा है सांप दे रहा हूँ मैं इसे। अबे भाई जेली वाली टॉफी है, मगर इसमें ना अंडा है। ये देख नॉन वेज है, हम अंडे नहीं खाते। बच्चों को खिला दिया तोड़ तोड़ के इसे। टॉफी है मीठी वाली, सांप मत समझ इसे। ठीक है, इसे लग रहा है ये रियल का सांप है भाई, टॉफी है। टॉफी को रियल वाला सांप समझ रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो गाई अभी पूरी गैंग आ गई है। ये देखो आज तो हन्नी को बुला लिया, इसकी भी छुट्टी है। चलो तो गाई अभी जल्दी चलते पहाड़ पे और मस्त फन करके आते हैं। तो चलो आज चलते हैं। गाइस आज गुड़गांव में भाई खतरनाक पोल्यूशन हो गया है भाई, 5 बजे ही रात होगी। ऐसा कौन सा बम फटे इतना तगड़ा पोल्यूशन हो गया भाई? पराली जलाने से ना बहुत तगड़ा पोल्यूशन हो चुका है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम सोच रहे थे पहाड़ पे जाके घूम लेंगे, मगर भाई मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ दिख भी रहा होगा। जब तक पहुँचेंगे अंधेरा हो जाएगा। तो गाइस अभी आ गए पहाड़ पे भाई, एक नया कैफे खुला पहाड़ पे, उसे एक्सप्लोर करने आया भाई। ये देखो कैसा रास्ता बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है ऊपर टक्कर खाऊंगा। गाइस शांस को तो मस्त टेम्पोलिन मिल गया इस कैफे में भाई। कैफे तो मस्त लग रहा है देखने में, बनाया भी बढ़िया है। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। विशाल देखो भाई किसकी गोदी में बैठ गया, दादाजी कमी पूरी कर रहा है। अबे थूक देगा तेरे ऊपर ये। ओए ओए मारूंगा। गाइस कैफे में तो खतरनाक स्विमिंग पूल भी है भाई, अब अगली बार इसमें ही आएंगे। गाइस ये देखो इस कैफे में तो खतरनाक भूत है भाई, कटा सिर वाला भूत। ये देखो हरकत है इसकी, सबकी नाक साफ करता है, मेरी कर दे आजा ले। गाइस कैफे में तो दो दो झूले भी लगाए हुए हैं बच्चों के लिए भाई, बिल्कुल सेम ऐसा झूला विक्की डॉन को शादी में मिला था। उनका झूला कहाँ गया, फेंक दिया गया उन्होंने? नहीं उनके घर ही रखा है। मेरे को भी शादी करनी पड़ेगी, झूला आ जाएगा फिर। दो मंगाइए दो, तू भी कर ले। मुझे भी झूलाना है झूले पे, ओनली मी एंड माय वाइफ। गाइस एक ऐसा झूला ना दो बंदे बैठने वाला आता है, वो मिलेगा विशाल की शादी में। मैं हन्नी की शादी में ले लूंगा 3 झूले। गाइस मुझे मस्त झूला रहा है शांस, वहाँ बैठे वहाँ मौज कर दी भाई। सिद्धू मूसे वाले के गाने पे डांस करने लग गया। तो गाइस अभी शांस से पूछते हैं क्या खाएगा। व्हाइट सॉस पास्ता। देख रहे हो गाइस शादी में भी जाएगा यहाँ भी खाएगा, दोनों जगह खाना अच्छा होता है ना। गाइस हमारे वहाँ तो ठंडी नहीं लगती, यहाँ भाई ठंड लग रही है खतरनाक। और जो यहाँ पे रहते हैं लोग उनकी तो कुल्फी बन जाती होगी रात को भाई, वो रजाई ओढ़ के सोते हैं, तेरी तरह कम्बल ओढ़ के नहीं सोते। गाइस हमारे जैसा भी पागल कोई होगा शादी में जा रहे हैं और भाई कैफे में पास्ता खा रहे हैं। वाह शादी में नहीं मिलेगा ये, शादी में हलवा पूरी सब्जी मिलेगी। हाँ भाई कैसा पास्ता। गाइस अन्नी बुक्कड़ को देखो, शांस के पास्ता में खाने लग गया। शांस बेचारा इसलिए नहीं खा रहा, गरम है, मैं गरम ही खा रहा हूँ। तो गाइस अभी मस्त पेट पूजा हो गई है, अभी फाइनली चलते हैं भाई शादी में। शांस ने बिगर मतलब के खर्चा करवा दिया भाई, इससे बढ़िया शादी में ही खा लेते। यहाँ पे पास्ता नहीं मिलते तो चलो आज चलते हैं। गाइस इसी गांव में शादी में जाना है हमें, अंदर की तरफ जहां पहाड़ वाड़ों के पास नहीं जाते वहीं पे जाना भाई शादी में। सामने वाली गाड़ी में कितने बंदे ठुके हुए हैं भाई, गुंडे वाली वैन में पूरे बंदे भर रखे हैं और शादी में जा रहे पार्टी करने। तो गाइस अभी आ गए शादी में भाई, विशाल और हन्नी तो पहले ही भाग गए। होती है ना भाई, हन्नी और विशाल तो पहले ही टूट पड़े। मैं तो दही बल्ले खा रहा हूँ। इसे देखो भाई इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खाता, बीमार होना है क्या तुझे? हाँ।
जान बूझ के खा रहा है, कह रहा है कल पेपर बीमार हो जाऊंगा। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये किसी भी शादी में घुस के खाता हुआ मिल सकता आपको, पनीर टिक्का खाता हुआ मिल सकता। इतनी भीड़ हो रही है, पनीर टिक्का हाथ मारने दे रही है यहाँ तो, रोटी हाथ मार जा बहुत है भाई। साइंस का कल पेपर है, यूँ करा भी जाऊंगा नहीं। ठीक है चलो। तो गाइस अभी शादी में घूम लिए और ये देखो भाई हमें कौन सी जीप मिली, मेजर, बहुत पुरानी जीप। गाइस ये जीप बहुत पहले राजस्थान में चलती थी, इन्होंने फिर से नहीं बनवा दी भाई। ये भाई साहब देख रहे हो कॉकपिट इसका, ओ भगा दी भाई भगा दी। ओ भाई, ओ ओ भाई, राजस्थान का जहाज है भाई, देख रहे हैवी ड्राइवर पलटा है गाड़ी का भाई। ये भाई मेजर तो मेजर ही है भाई। गाइस इसके कंट्रोल देख रहे हो, बिल्कुल देसी भाई। कहाँ महिंद्रा ये गाड़ी बनाती थी, कहाँ थार बना दी भाई। पुराना झोटो भाई आके उड़ना हो, पुराने खिलाड़ी के आदमी है। चलो तो गाइस अभी मस्त शादी में घूम लिया, अभी फाइनली निकलते हैं भाई घर के लिए। बाकी बहुत ठंड होगी भाई यहाँ पे, भगवान कल पॉल्यूशन करवा देना, स्कूल की छुट्टी करवा देना। गाइस साइंस का ना कल एग्जाम है, ये सोच रहा है एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़े। अरे प्रिपरेशन नहीं, वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं आती मुझे, एग्जाम तो होके ही रहेगा। चलो तो भाई अभी फाइनली चलते हैं घर। तो चलो गाइस चलते हैं। ਜਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੋਟ ਭਰਿਆ ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਨੇ ਪਿਸਤਲ ਤੇ ਲੱਗ ਚੜਿਆ। ਤੋ ਗਾਈਜ਼ ਅਭੀ ਆ ਗਏ ਨਿਊ ਕਲੋਨੀ ਭਾਈ, ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਥੀ। ਕੱਲ ਯਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੁਝੇ ਆਦਾ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰੂੰ भाई। डंडे खा लियो मैडम से, पढ़ता तो है नहीं। गाइस पॉल्यूशन हो रहा है ना, ये सोच रहा छुट्टी हो जाए, जब से कह रहा भगवान छुट्टी करवा दो छुट्टी करवा दो। छुट्टी बुट्टी ना होने वाली भाई, तुम यार काली जुबान लगा देते हो भाई। अब नहीं होगी छुट्टी, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब पूरा इसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। चल गया के? भाई स्मार्ट की मशीन आज तक नहीं चली, और शायद हर बार ना इसमें से बॉल निकालने की कोशिश करता है मगर ये निकलती ही नहीं है। पहले पैसे देने पड़ेंगे 100 रुपए, फिर आएगा ये। अरे भाई ये 100 रुपए देने से भी नहीं घूमता, खराब होगी मशीन। 100 रुपए ले लेगी पर कुछ देगी नहीं। भाई ये देखो शायद को मस्त टेस्ट नोटबुक दिलवा दी क्लासमेट की, भाई ये काफी दिन चल जाएगी। कितनी मस्त है, कितना बड़ा पेपर है इसका, मगर ये तो हिंदी की है भाई, इंग्लिश की थोड़ी है। मैं इसी में ही कर लेता हूँ, ये मैडम को दे देंगे, पास हो जाएगा शायद फ्री में। चलो लेके चलो। एक लड़के ने पता क्या किया, पेपर के बीच में ना 500 रुपए का नोट रखाया, सर प्लीज पास कर देना। सर ने नोट रख लिया, पास भी नहीं करा। ने रख लिया, कह रहा खाने काम आएगा। गाइस यहाँ पे देखो दुनिया की सबसे हॉटेस्ट मैगी भी मिल रही है, पर ये नॉन वेज होगी। ये देख भाई ग्रीन सिग्नल है, वेज है भाई। अन्नी बुक कड़ी है जो इसे खा सकता है। मैं नहीं खाऊंगा, सुबह नहीं निकलती, दर्द और होता है। गाइस के अंदर जो ऑयल होता है ना वो बड़ा डेंजर होता है भाई। एक दिन जब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रहा था ना इसका, जब मेरी गलती से उसके अंदर उंगली चली गई और मैंने अपनी आंख पे ऐसे लगा ली भाई, जो मिर्ची लगी। गाइस आपने ना प्रिंगल्स इतने बड़े बड़े देखे होंगे, मगर अभी इन्होंने ना एक छोटा सा बच्चा निकाला भाई, शायद जैसे बच्चों के लिए प्रिंगल्स का छोटा बच्चा। ये भी 60 रुपए का है, तो 60 रुपए का तो ले सकते हैं ना भाई। अरे भाई महंगा है। गाइस विशाल बहुत रशियन करता रहता है, इसके लिए आज एक 99 रुपए वाली रशियन लेके आ गए हम। ओए होए मेरे सपनों की रानी। मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। भाई कल विशाल को ना MMA की फाइट में एक रशियन मिली, उसके पीछे पागल हो गया, वहाँ से आ ही नहीं रहा, मैं कह रहा मैं रशियन के साथ ही जाऊंगा। अच्छी भी तो थी बहुत। तो गाइस अभी साइंस को मस्त टेस्ट नोटबुक दिलवा दी है, अभी फाइनली चलते हैं घर। बाकी भाई चांसेस है कल साइंस की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। नहीं होनी चाहिए यार इस छुट्टी, मेरी होनी चाहिए, मैं दिल्ली में जाता हूँ। गाली जुबान मत लगा, बता दूंगा टोटका कर दूंगा तेरे ऊपर, ऐसा टोटका करते मेरी शादी हो जाए। चलो तो भाई अभी जल्दी चलते घर, क्योंकि साइंस को ना टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी साइंस की नोटबुक लेके आ गए घर, भाई अब पढ़ाई कर दे, खींच दे, कहीं कल छुट्टी हो जाए, सारी मेहनत जीरो। बाकी इसे दे देते हन्नी को, हन्नी खा लेगा। नहीं प्रिंगल्स मुझे दे, अकेले अकेले प्रिंगल्स खा रहे, इसका पेपर है, इसके लिए नोटबुक है, पढ़ ही रहा। अब इसे खोलते हैं। ये देखो हन्नी को सबर नहीं होता भाई, शादी में से खा के आया फिर भी ये खा रहा है भाई। साइंस के प्रिंगल्स खोल दिए भाई, ये तो इतने से आए हैं बस, बिल्कुल लेश की कॉपी। और क्यों भाई मुझे स्कूल लेके जाने थे? स्कूल में क्या लेके जाएगा, सारे खोल दिए, स्कूल में सारे बच्चे खा जाते, इसलिए मैं खा लूंगा यहाँ। तो गाइस पार्टी करके तो भाई मस्ती मजा आ गया, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रिंगल्स का बच्चा खा के ना सब्सक्राइब कर देना।